28 29 ये बात मैं आपसे पूछने वाला हूँ इंशाल्लाह जी कि शबे कदर क्या 27 रात को है? आमतौर पे देखा गया लोग 27 तारीख को ही शबे कदर मनाते हैं, तो क्या 27 को ही शबे कदर मिलता है? तो ये भी देखिए कि मैं जो बता रहा था ये भी एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। तो हम 27 को तय करते हैं और 27 28 29 बाजारों में घूमने में लगाते हैं। अब सवाल ये क्या ये 27 ही शबे कदर है, क्या इसको वो करना है? तो याद रख लीजिए मेरी बात को गौर से सुनिए, 27 ही शबे कदर नहीं है, 27 भी शबे कदर हो सकती है। मतलब ये हुआ कि 27 भी रातें भी हैं, कुछ और रातें भी हैं जो शबे कदर हो सकती है, 27 भी हो सकती है लेकिन 27 ही नहीं है। याद रखिए हमारे पास बर्रे सगीर में इंडिया में पाकिस्तान वगैरह में ये तय कर लिया हमने कि 27 ही शबे कदर है जबकि 27 भी शबे कदर हो सकती है। तो शबे कदर कौन सी रात है फिर? तो आइए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शबे कदर की तारीख बताई गई सूरह कदर की तफसीर, तफसीर इब्ने कसीर में आप देख लीजिए। आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तारीख को डिक्लेयर करने बाहर निकले मस्जिद से, मस्जिद से बाहर निकले, दो लोगों में फाइटिंग चल रही थी, झगड़ा चल रहा था। जब उनकी फाइटिंग ख़त्म हुई, छुड़ाया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मुझे शबे कदर की तारीख बता दी गई थी लेकिन इस झगड़े की वजह से वो तारीख मुझसे भुला दी गई, अब इसको तुम तलाश करो। ठीक है, फिर सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया तलाश करो। सहाबा ने कहा हम क्या पूरी साल में कैसे तलाश करें, कौन सी तारीख? फिर कहा इसे रमज़ान में तलाश करो, फिर कहा रमज़ान के आखिरी अशरे में तलाश करो, और फिर कहा रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में ऑड नाइट्स में तलाश करो। तो शबे कद्र जिसमें कुरान नाजिल हुआ था ये कौन सी रात है अब हमको ढूंढना है। वो 21 की रात भी हो सकती है, वो 23 की रात भी हो सकती है, वो 25 की रात भी हो सकती है, वो 27 की रात भी हो सकती है, और वो 29 की रात भी हो सकती है। पांच रातों में से कोई एक रात है शबे कद्र। तो शबे कद्र को सिर्फ 27 को मनाना एक बहुत बड़ी गलतफहमी और एक बहुत बड़े सवाब को ज़ाया करने का ज़रिया बन जाएंगे। याद रखिए तो ये पांच रातों में से कोई एक रात हो सकती है, याद रखिए ये बात वाज है। लेकिन हमने एक तो पहले तो तय कर लिया कि 27 ही है जी, उसके बाद इसको 27 को कैसे जाग कर मनाते हैं मैंने आपको तरीका भी बता दिया इससे पहले जी। मतलब ये आखिर क्या